हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो आप यहाँ पे करते हैं क्लास फोर मैथ्स का सब्ट्रैक्शन का आगे का एक्सरसाइज। सो यहाँ पे आपको करना है एक्सरसाइज 4.9। सो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बस फाइंड द डिफरेंस करना है और आपके आंसर को वेरीफाई करना है। उसका मतलब है कि इस नंबर से इस नंबर को करेंगे माइनस और फिर जो आंसर आएगा उसे आप चेक करेंगे कि क्या मेरा सब्ट्रैक्शन सही है कि गलत। जैसे यहाँ पे देखिए 52,000 और 14,000 है ना, तो हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 52,000 के लिए हमने 5 ले लेते हैं, मान लीजिए 5 है, और ये जो 14,000 है मान लीजिए ये 1 है, तो 5 माइनस 1 होता है 4। तो ये हमने डिफरेंस फाइंड किया। अब इसे आप वेरीफाई कैसे करेंगे, आप पता कैसे लगाएंगे कि आपका सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको इस 4 के साथ 1 को प्लस करना है और चेक करना है कि आपका आंसर 5 आ रहा है कि नहीं। तो इसे हम बोलते हैं कि अपने आंसर को वेरीफाई करना। अगर आपका आंसर 5 आ रहा है मतलब आपका सब्ट्रैक्शन सही है, ठीक है? तो यही यहाँ पे आप करेंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस नंबर को, इस 52 वाले नंबर को माइनस करेंगे 14,000 वाले नंबर के साथ और जो आंसर मिलेगा उस आंसर को आप इस 14,000 वाले नंबर के साथ प्लस करके देखेंगे कि आपको आंसर 52,407 मिल रहा है कि नहीं। यही आपको इन सारे क्वेश्चंस में करने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। का मतलब, सिंपल मतलब यही है कि 6 माइनस 4 होता है 2, ठीक है? तो 6 माइनस 4 करके 2 मिला। अब चेक कैसे करें कि ये सही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ प्लस करना पड़ेगा 2 को, है ना? ये जो दो नंबर्स हैं इन्हें प्लस करना पड़ेगा और अगर आपको आंसर 6 मिल रहा है मतलब ये जो क्वेश्चन है आपने जो सॉल्व किया है वो सही है। इस तरीके से हम आंसर्स को चेक करते हैं, उन्हें वेरीफाई करते हैं, ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे करना है एक्सरसाइज 4.9 में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.10। यहाँ पे भी आपको दोनों साथ में करना है, यानी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में वाले सम्स दिए गए हैं। तो जब ऐसा देते हैं तो सबसे पहले आप एडिशन करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है? जनरली ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब ये ब्रैकेट दिया जाता है, यहाँ पे ब्रैकेट का इंट्रोडक्शन है ना, ब्रैकेट में दिया जाता है मतलब उसको फिर प्रायोरिटी मिल जाती है, वो आपको पहले करना पड़ता है, ठीक है? अगर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये जो चीज़ हम डालते हैं है ना, तो इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे डाला हुआ है, इन्हें एक घर में बिठाया है ना, तो इसका मतलब है कि इन्हें पहले करो, ठीक है? ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो जिसको ऐसे कवर किया हुआ है उन्हें आपको फर्स्ट करना है, फिर बाहर निकालना है एंड देन आप बाहर वाले के साथ उसे प्लस करेंगे। तो ये जो रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ता है इस तरीके के नंबर्स में। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए एक नंबर बाहर है और दो नंबर जो है इस ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन दोनों को करेंगे माइनस और आंसर ढूंढेंगे जो आपका आंसर होगा, उसके साथ फिर आप इस बाहर वाले नंबर को प्लस करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आप जैसा आपका क्वेश्चन दिया गया है वैसा ही करते चले जाएंगे। तब पहले आप जो है इन दोनों नंबर को करेंगे माइनस, है ना, और जो आंसर मिलेगा उस आंसर से इसको प्लस करेंगे। मतलब जैसा आपका नंबर स्टेटमेंट है, जैसा आपका नंबर सेंटेंस है वैसे ही आप करेंगे। जैसे कि ए में भी देखिए आप ऐसे करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर के साथ फिर इसको माइनस करेंगे। तो जैसा आपका नंबर है वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट की बात आती है तो ब्रैकेट वाले नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे, आंसर ढूंढेंगे, फिर बाहर वाले नंबर के साथ बाकी का प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना हो तो माइनस, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है ऐसे वाले सम्स में। अब उसी के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ, यहाँ पे पूछा है कि कौन से नंबर को आप ऐड करेंगे इन दोनों नंबर्स के सम के साथ, यानी इन दोनों नंबर्स को प्लस करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसके साथ क्या ऐड करेंगे कि आपको फिर ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस करने हैं। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को करेंगे प्लस और उसका सम ढूंढेंगे, ठीक है, और फिर इस आंसर से उस सम को करेंगे माइनस, भी आपको वो डिफरेंस मिलेगा, है ना? यहाँ पे पूछा है ना कि कौन से नंबर को ऐड करना है, तो उस नंबर को ढूंढने के लिए आपको जो टोटल नंबर दिया है यहाँ पे
उस टोटल के साथ आपको इस आंसर को माइनस करना पड़ेगा, टोटल से माइनस करना पड़ेगा इन दोनों के प्लस किए हुए आंसर के साथ, तब आपको मिल जाएगा कि कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे ये ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ। अब डिफरेंस ऑफ मतलब इन दोनों को करना है माइनस, इन दोनों नंबर्स को करेंगे माइनस। यहाँ पे पूछा है कि इन दोनों के डिफरेंस के साथ, तो सबसे पहले डिफरेंस ढूंढ लेंगे इन दोनों को माइनस करके, ठीक है। और कौन से नंबर को ऐड करेंगे इस डिफरेंस के साथ कि आपको ये नंबर मिलेगा, तो ये नंबर भी यहाँ पे नहीं दिया। तो ये नंबर क्या है, इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों को प्लस करके जो नंबर मिलेगा ना वो होना चाहिए टोटल आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स को करना है माइनस, और जो आंसर मिलेगा उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दो नंबर्स के प्लस के साथ, उसके सम के साथ, तभी आपको ये नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर सी। अ डीलर परचेसेस सेकेंड हैंड कार। एक डीलर ने जो है सेकेंड हैंड पुरानी कार खरीदी इतने रुपए में, और उसमें स्पेंड किया, उसमें खर्च किया उसने इतने रुपए, और तो ये पैसे उसको पहले खरीदने के लिए लगे, उसके बाद उसमें खर्चा हो गया इतना, एंड ही गॉट, और उसको फिर मिला इतना रुपए जब उसने वो कार को किसी और को बेच दिया, तो अब उसने कितना सेव किया। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपको इस नंबर को प्लस करना है इस नंबर के साथ कि उसका टोटल खर्चा कितना है कार लेने के लिए, उसे लेने देने पड़े इतने रुपए, उसके बाद उस पर और खर्चा हो गया, तो ये हो गया उसका टोटल खर्चा। पर जब उसने उस कार को बेचा तब उसे 3 लाख मिल गए, मतलब उसे ज़्यादा मिल गया, है ना। उसने जितना खर्च किया उससे ज़्यादा पैसे उसको मिल गए जब उसने वो किसी और को बेचा, तब आपको उसका डिफरेंस ढूंढना है, इस 3 लाख से माइनस करना है उसके टोटल कॉस्ट वाले नंबर, उसके टोटल एक्सपेंस को, और जो बच जाएगा वो है मनी कि उसने कितना सेव किया। तो ये आप इस तरीके से करेंगे। Subtract the sum of this and this from this. तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको sum find out करना है, इन दोनों numbers को plus करके से इस बड़े number से minus करना है, बस यही यहाँ पे पूछा है ना। Subtract the sum of, सबसे पहले sum find out करेंगे इन दोनों का, और उसको इस बड़े वाले number से करना है minus, क्योंकि subtract करने के लिए बोला है, और फिर आपको मिल जाएगा answer. Next देखते हैं, by how much is the sum of this and this is less than the sum of this and this. तो यहाँ पे आपको दो बार एडिशन करके नंबर ढूंढना है। सबसे पहले इन दो नंबर को ऐड करके उसका सम ढूंढेंगे, और फिर इन दोनों नंबर को ऐड करके भी उसका सम ढूंढेंगे, मतलब प्लस करेंगे इन दोनों नंबर्स को और इन दोनों नंबर्स को, आपको दो नंबर्स मिल गए। उसके बाद जो आंसर्स हैं उन दोनों को करेंगे माइनस, और पता लगाएंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, तो इन दोनों का जो है डिफरेंस फिर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस, और उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों आंसर्स को करना है माइनस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ फैक्ट्री मेड, एक फैक्ट्री ने कितने टॉयज बनाए, इतने टॉयज बनाए फर्स्ट वीक में, फिर इतने टॉयज बनाए सेकेंड वीक में दूसरे हफ्ते में, और कुछ और टॉयज बनाए बाकी के हफ्तों में, बस कुछ और बताया है, नंबर नहीं बताया, जो कि आपको ढूंढना है, ठीक है। अब इफ द टोटल प्रोडक्शन, अब टोटल प्रोडक्शन उन्होंने बताया कि इन तीनों महीनों के प्रोडक्शन को मिलाकर इतना उन्होंने बनाया है टॉयज, यानी 1,42,000 टॉयज उन्होंने बनाया है। तो अब इसमें आपको फर्स्ट वीक का पता है इतना, सेकेंड वीक का पता है इतना, तो अब थर्ड वीक का क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकेंड वीक के दोनों नंबर्स को करेंगे प्लस, तो आपको दो हफ्ते का मिल गया, है ना। उसके बाद इस टोटल में से उस टू वीक के प्रोडक्शन को करेंगे माइनस, तो आपको मिल जाएगा कि बाकी बचे हफ्तों में कितना प्रोडक्शन टॉयज का किया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो यही आपको यहाँ पे करना है, पहले हफ्ते के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के प्रोडक्शन को करना है प्लस, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, आंसर को इस टोटल से करना है माइनस, तो आपको मिल जाएगा कि रिमेनिंग वीक्स में कितने टॉयज बने होंगे। तो इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।